Hey what's up guys, Khushi Patel here. Welcome to Spices Foodie. आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी कॉर्न, जो एकदम ही सीजनेबल रेसिपी है. क्रिस्पी कॉर्न बहुत ही डिलीशियस लगते हैं और उसके साथ फ्रेंच फ्राइज भी एकदम ही क्रंची वाली बनाएंगे. अक्सर सब लोग मकई के पकोड़े या ढोकले बनाते हैं, लेकिन ये यूनिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. बहुत ही टेस्टी बनती है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं. यहाँ मैंने दो मकई के दाने छुटे कर लिए हैं. और हाफ कप कैप्सिकम, हाफ कप कैरेट बारीक कटा हुआ, एक टीस्पून जिंजर पेस्ट, एक ग्रीन चिली के टुकड़े और फ्रेश कोरिएंडर लिया है. एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था. इसमें मकई को बॉईल करेंगे. एक टेबलस्पून शुगर डालेंगे. ढक के 2-3 मिनट सारे दाने फूल जाए तब तक इसे बॉईल करेंगे. और छलनी में निकाल लेंगे. मकाई में से सारा पानी छूट जाए तब एक बर्तन में खुला छोड़ेंगे. रूम टेम्परेचर पर आ जाए उतना ठंडा करेंगे. मकाई ठंडी हो जाए बाद में 2 टेबलस्पून मैदा डालेंगे ताकि अच्छे से कोटिंग हो जाए. 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और स्वादानुसार नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे. इसमें ध्यान रखना है, इस तरह सूखा ही मिक्स करना है और ज़रूरत पड़े तो बस थोड़ा सा ही पानी का छींटा मारते जाएंगे. और ऐसा नहीं करना है एक साथ पानी डाल दिया और एक साथ आटा डाल दिया. पानी का छींटा मारते जाएंगे और बाद में ही कॉर्नफ्लोर डालते जाएंगे. टोटल मैंने 6 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर डाला है. ऐसी प्रोसेस 2-3 बार करेंगे. अच्छे से कोटिंग भी हो जाएगा और फ्राई करते वक्त मकाई फटने की संभावना कम हो जाएंगी. देखो मकाई अच्छे से कोट हो गए हैं. अब इसे जाली में एक्सेस आटा निकाल लेंगे ताकि ऑयल बहुत ज्यादा खराब नहीं हो. ऑयल गर्म हो जाए बाद में मकाई डालेंगे और इसमें ये ध्यान रखेंगे, बर्तन को इस तरह आधा ढक के रखेंगे ताकि मकाई फटे तो मुंह पे छींटा ना आए. ये ज़रूर ध्यान रखें. मकाई क्रंची सा हो जाए तब इसे निकाल लेंगे. हमारी कॉर्न एकदम ही क्रंची हो गई है, आप देख सकते हैं. और इसकी सिंपल सी चीज़ ध्यान रखेंगे, ढक्कन पूरा भी बंद नहीं करना है वरना ऑयल ऊपर आ जाएगा. तो थोड़ा खुला ही ढक्कन रखें, बस इतना खास ध्यान रखेंगे. अब ये मैदा कॉर्नफ्लोर बचा है उसमें पोटैटो की चिप्स डाल के सेम प्रोसेस में कोटिंग करेंगे और फ्राई करेंगे. देखो हमारी फ्रेंच फ्राई कितनी क्रिस्पी बनी है, आप देख सकते हैं. अब क्रिस्पी कॉर्न का तड़का लगाते हैं. एक पैन में 1 टीस्पून ऑयल डाल के गरम हो जाए बाद में 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट को सौते करेंगे और कैरेट डाल देंगे. कैरेट को बस 1 मिनट ही सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है. और कॉर्न डाल देंगे. मिक्स करके कैप्सिकम और हरी मिर्च डाल देंगे. अच्छे से मिक्स करेंगे.
इसमें स्वादानुसार नमक, हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर, एक टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। ब्लैक पेपर का फ्रेश पाउडर ही यूज़ करें। अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे क्रिस्पी कॉर्न बनके रेडी है, तो चलो सर्व करते हैं। कॉर्न एकदम क्रंची, बहुत ही टेस्टी डिश बनती है। ऊपर कोरिएंडर से गार्निश करेंगे और क्रंची फ्रेंच फ्राई और टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। अगर आपको तड़का नहीं करना है तो इसके ऊपर ऐसे ही पेरी पेरी मसाला डाल के खा सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो है ना एकदम ही रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी कॉर्न, सुपर डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार घर पर ज़रूर बनाइए। तो मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय, सी यू टू नेक्स्ट वीडियो।